So lecture name is been to. Another one is gone to. Both we are using for visit. दोनों हम विजिट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर दोनों में फर्क क्या है? पहला फर्क, पहला been to. When visit is over, person is not present at that place. Been to इस्तेमाल होता है ऐसे विजिट के लिए जो विजिट कंप्लीट हो गया है, अब शख्स वहां पे मौजूद नहीं है. सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैवन हैज, फिर बीन टू, फिर ऑप्शन. मैं कहता हूँ मुजम्मिल ने लंदन विजिट किया, आप कहते हैं यस सर, ही हैज बीन टू लंदन. ये लंदन से होके आए हैं, ये लंदन जा होके कभी नहीं आया हूं. दिस इज द यूज ऑफ एवर एंड नेवर. नेवर मतलब कभी नहीं, कभी कभार नेवर एवर साथ आता है यूं करके. नेवर एवर, कभी भी नहीं. गोन टू, व्हेन विजिट इज नॉट ओवर and person is still present at that place. Okay, he has been to London. वो लंदन से होके आ गया है. और दूसरी जगह कह रहे हैं he has gone to London. वो लंदन चला गया.